प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हो कि हम आपका जो ट्वेल्थ क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 13 है वेक्टर, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर हमने आपकी 13.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। और 13.2 से रिलेटेड बच्चों जो आपका बेसिक है, जिसमें हम ए डॉट बी अर्थात डॉट प्रोडक्ट यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल अर्थात या स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड बच्चों जितना भी बेसिक था वो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। तो बच्चों आज का जो ये हमारा लेक्चर रहेगा वो आपका कंप्लीट ए डॉट बी के जो क्वेश्चन है या एग्जांपल है उनके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो बच्चों इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो एग्जांपल नंबर जो 10 है वो है कि हमें दो वेक्टर दे दिए कि यदि ए सदिश बराबर ये और बी वेक्टर बराबर ये हो तो ए डॉट बी फाइंड आउट कीजिए, अर्थात ए डॉट बी क्या होगा पता कीजिए। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्या करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दो वेक्टर दे दिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपको उनका ए डॉट बी अर्थात डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसको लिखा ए डॉट बी, इस फॉर्म में लिख लिया। अब बारी आती है कि ए डॉट बी का रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था यदि ए आपको ये डिनोट कर रहा हो कि एक्स वन आई केप वाई वन जे केप जेड वन के केप, और बी यदि ये डिनोट करे एक्स टू आई केप वाई टू जे केप जेड टू के केप, तो हमारा ए डॉट बी होगा एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू। अर्थात जो आई वाले हैं उनका प्रोडक्ट, जे केप वाले हैं उनका प्रोडक्ट, और जो के केप वाले हैं उनका प्रोडक्ट। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आई के साथ वन है और यहाँ पे है थ्री, यहाँ पर टू के साथ टू आएगा और फिर थ्री के साथ कितना आएगा बच्चों वन। इनका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, थ्री प्लस फोर प्लस थ्री, तो आंसर आ गया 10। बच्चों ये आपका एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो कम्प्लीट हुआ। तो बताइए बच्चों समझ आया या नहीं आया। सिंपली प्रोसेस है कि हमें ए डॉट बी करना था, अर्थात एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू, सिंपल प्रोसेस है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर जो 11 है वो है लेमडा के किस मान के लिए सदिश 2i, इसको मैं ये मान लेता हूँ 2i प्लस लेमडा जे प्लस 5k, और जो b सदिश है वो है माइनस आई प्लस जे प्लस की, कुछ ऐसा है बच्चों, परस्पर लंबवत है। यानी यदि a और b परस्पर लंबवत हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी वो पता कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा ए एंड बी आर परपेंडिक्यूलर। ए और बी परपेंडिक्यूलर कब होंगे, जब ए डॉट बी क्या हो जाए जीरो। मैंने आपको बताया था जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो बच्चों आप जानते हो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है जीरो, अर्थात कोस थीटा जीरो होते ही हमारा जो ए डॉट बी है वो भी क्या हो जाएगा जीरो। तो ये कंडीशन हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो ए डॉट बी क्या होगा 2i प्लस लेमडा जे प्लस 5k डॉट माइनस आई के प्लस जे के प्लस के केप इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू माइनस वन तो आएगा माइनस टू, लेमडा इंटू वन प्लस लेमडा 5 इंटू वन 5, 5 माइनस टू हो जाएगा बच्चों 3, तो लेमडा प्लस 3 इक्वल जीरो, देन लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3। तो बच्चों बताइए क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। तो देखिए बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चन है, बस आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो एकदम बढ़िया तरीके से कवर होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। हमें एग्जाम्पल नंबर 12 क्या दिया है कि सदिश 3i प्लस j प्लस 3 की, एक सदिश है बच्चों हमारे पास 3i के प्लस j के प्लस 3 की कैप, जिसे मैंने a माना है, और दूसरा है 2i प्लस 2j माइनस k, एक b सदिश है जो है 2i प्लस 2j माइनस के, इनके मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों क्वेश्चन हो गया फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, आपको क्या करना है उन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा वो पता करना है। तो यदि आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ
बी, ये फॉर्मूला बताया। अब बच्चों देखिए, हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो मैं सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा ए डॉट बी, तो 3i प्लस जे प्लस 3k डॉट 2i प्लस 2j माइनस k, डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, और 3 इंटू माइनस 1 3, तो हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। यानी मेरे पास ए के डॉट बी के पर बच्चों वो क्या रिजल्ट देगा? 5। इसके बाद बारी आती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए की। तो बच्चों जो 13.1 है उसके अंदर हमने काफ़ी टाइम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ए का 3, 1 एंड 3, 3² + 1² + 3², तो बच्चों ये बन जाएगा 9 + 1 + 9, इनका सम हो जाएगा √19। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इनके कोफिशिएंट देखो 2, 2 - 1, 2² + 2² + -1², तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 8, सॉरी वैसे तो टोटल 9 आएगा, 4 + 4 + 1, √9 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3। तो यहाँ से cos थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं जैसे तो सिर्फ वैल्यू तो रखनी है सारी, तो ये क्या आया था 5/3√19, या यहाँ से जो थीटा है वो हो जाएगा cos इनवर्स 5/3√19। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट है? सिर्फ बच्चों नॉर्मली कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन भी नहीं आएगी। सिर्फ आपको जो आपका बेसिक नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, यानी आपको डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो आपको बच्चों वो प्रोसेस याद रखो ना कि हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डायरेक्टली हुआ। सेकंड था कि इन दोनों के बीच में ये प्रूव करना था कि दोनों परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है। तो लंबवत का केस मैंने आपको बताया है कि ए डॉट बी 0, तो ए डॉट बी 0 के इक्वल के सॉल्व कर लो। थर्ड है एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बच्चों ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 13.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, हमारा सॉल्व किया हुआ है, और जो ए डॉट बी है वो हमने अभी फाइंड आउट किया ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है? हमें दिया गया है प्रदर्शित कीजिए, यानी हमें ये प्रूव करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस 2a.b + b² की, कुछ ऐसा होगा। ये हमें बच्चों यहाँ सिद्ध करना है, सिंपल सी प्रोसेस है। तो आपको पता होगा, मैंने पीछे प्रूफ भी किया था कि हमेशा बच्चों एक रूल होता है जो आपको याद रखना है, ए डॉट ए को मैं ए वेक्टर का स्क्वायर अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। कल ये बात हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। या भी बच्चों एक बात बता रहा हूँ आपको, कई बार फ्लो में आप या कोई बच्चा जल्दबाजी में इस पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज मत कर देना। यदि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बच्चों यदि आप यूज कर देते हो, तो आप वहाँ पे ये मान लो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हम बच्चों डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर के केस में आ रहे हैं। वेक्टर केस में डायरेक्शन लिखने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग रहेगा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab + b². तो बच्चों वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, हमें एक एक प्रोसेस को सही तरीके से करके सोल्व करना है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a.a, b.a + b.b। अब बच्चों ए डॉट ए को मैं डायरेक्टली वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर या सीधा ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
और बच्चों आप जानते हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करके बताया है कि जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, अर्थात क्रम विनिमेय होता है। तो इस वजह से मैं बी डॉट ए को लिख सकता हूँ, ए डॉट बी हो जाएगा बी स्क्वेयर, इनको ऐड कर दो, ए स्क्वेयर टू ए डॉट बी प्लस ए बी स्क्वेयर। हाँ, यदि आपको 2a डॉट b करो तो भी कोई बच्चों फर्क तो नहीं पड़ेगा कंसोल पे, लेकिन फिर भी ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। इसका जो बच्चों सेकंड पार्ट है वो है a प्लस बी डॉट a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। मानता हूँ वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमें, मैंने आपको अभी भी कहा है कि वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करना, हमें वेक्टर की जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लिखोगे a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट a b, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस a डॉट b, इसको आप क्या लिखोगे प्लस a डॉट b माइनस b स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा रिजल्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात a वेक्टर का स्क्वायर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, या मोड ऑफ a स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, ये आपके जो बुक के सिंपल से क्वेश्चन थे जिनको आपको प्रूफ करने में ज़्यादा ना तो डिफ़िकल्टी आनी चाहिए। तो देखो बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अब जो बच्चों हम दो क्वेश्चन एग्जांपल ऐसे हैं जो मेरे लिए ऐसे बहुत बढ़िया एग्जांपल मानता हूँ मैं इनको आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा नॉलेज का भी यूज होगा, बेसिकली कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, तो उनको समझाने का भी मज़ा है और समझने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार इन एग्जाम्पल्स को देखिए, कोई डाउट है तो बताइए, समझ आ गया होगा, क्योंकि बच्चों सारा क्वेश्चन जो प्रोसेस है वो बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए तो बच्चों जो एग्जांपल नंबर 14 और 15 है वास्तविकता में बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती होने के चांसेज है, इसलिए बच्चों इन एग्जांपल को जो भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊँ वो ध्यान से समझना आपको, ठीक है। तो बच्चों जो एग्जांपल नंबर 14 है वो क्या है, हमें दिया है कि यदि दो इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब बच्चों यूनिट वैक्टर ए कैप और बी कैप के मध्य कोण थीटा हो, यानी उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो, थीटा हो, तो प्रूफ यानी सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाय टू इक्वल होना चाहिए 1/2 मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, कुछ ऐसा प्रूफ करना है। दो यूनिट वेक्टर है बच्चों मेरे पास ए कैप और बी कैप, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, एक कंसेप्ट है जो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ वो हमेशा याद रखो, शायद मैंने पीछे बताया भी है। तो बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि जहाँ आपके पास जैसे ए वेक्टर दे दिया और उसका मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर दे दिया उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, ए प्लस बी या ए माइनस बी के आपको मैग्नीट्यूड पता करना है। तो बच्चों जब तक ए वेक्टर और बी वेक्टर जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है वन उस फॉर्म में ना हो, तो ए प्लस बी करना थोड़ा टफ हो जाता है, मैं बी फाइंड आउट करना। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप उनका स्क्वेयर फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे बच्चों स्क्वेयर, ये एक फिक्स रूल मान के चल लो, चाहे आप एक बेसिक फंडा जो भी कंसेप्ट है वो मान के चल लो। जब भी आपको क्लियरली दो वैक्टर का अलग अलग मैग्नीट्यूड दिया हो लेकिन वैक्टर ना दिए गए हो सीधा, और आपके उनके एड या सब्सट्रैक्शन का मोड फाइंड आउट करना, आप उसका स्क्वेयर फाइंड आउट करोगे हमेशा, चाहे एक वेक्टर हो चाहे दो हो या तीन हो, बस ये प्रोसेस आप याद रखो। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, तो इसको मैं क्या लिखूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, याद होगा। अब देखिए, मल्टीप्लाई करूँगा ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप प्लस
बी कैप डॉट बी कैप। तो बच्चों ये हो जाएगा ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों सेम हो जाएंगे, टू ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई होगी। इसका बच्चों मॉड्यूलस कितना है? वन। तो वन का स्क्वायर भी कितना होगा? वन होगा। टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप एंड कोस थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। वन प्लस वन हो जाएगा बच्चों टू माइनस टू, वन वन एंड कोस थीटा, तो ये हो जाएगा टू माइनस टू कोस थीटा, टू कॉमन आ गया, वन माइनस कोस थीटा आ गया। लेकिन मुझे जो वैल्यू चाहिए वो तो साइन थीटा बाई टू चाहिए। तो अब बच्चों आपके इलेवेंथ क्लास का जो बेसिक है वो आपके काम आएगा, वो है कि वन माइनस कोस थीटा को साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो शायद आपको सही याद आ रहा है, इसको लिखा जा सकता है टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा फोर साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू। अर्थात जो ए कैप माइनस बी कैप के का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों उसका स्क्वेयर आ जाएगा मेरे पास फोर साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। अब बोथ साइड स्क्वेयर रूट कर दो तो ये हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप, इधर हो जाएगा फोर का रूट टू होगा साइन थीटा बाय टू। शायद किसी बच्चे के माइंड में है सर प्लस माइनस टू, तो बच्चों ऐसा नहीं करना क्योंकि हम मॉड्यूलस का केस पढ़ रहे हैं और मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उस साइड ले जाओ तो यहाँ से आ जाए मेरे पास साइन थीटा बाई टू इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस ए कैप माइनस बी कैप एंड दिस। बताइए बच्चों यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो अलग हो? पूरे क्वेश्चन को बच्चों एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक बार इसको और समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन था बच्चों, हमें दिया गया है कि मेरे पास जैसे दो वेक्टर दे दिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? वन है, अर्थात यूनिट वेक्टर है। इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। प्रूव करना है साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, वो याद रखो जब भी ऐसी कंडीशन हो आप उसका स्क्वेयर फाइंड आउट करो। स्क्वेयर फाइंड आउट करोगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्क्वेयर किया, इसको क्या लिखा जा सकता है? ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। मल्टीप्लाई करने वाली प्रोसेस आप जानते ही हो, ये इसका स्क्वेयर स्क्वेयर ये दोनों क्रमविनी में होते हैं, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है वन वन, ये जन आपके सामने है। इसको क्या लिखा जा सकता है? ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वन। ये वन प्लस वन कितना हो गया? टू। तो हो गया टू माइनस टू कोस थीटा, टू कॉमन लिया तो आ गया वन माइनस कोस थीटा, और इसको लिखा जा सकता है टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, टू इंटू टू कितना हो जाएगा? फोर। बोथ साइड स्क्वेयर रूट अर्थात वर्गमूल ले लो, ये वैल्यू आ जाएगी, टू उधर डिवाइड में ले जाइए। तो अब बताइए बच्चों इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है आपको? अब तो समझ आ गया होगा, बस आपको जो बेसिक प्रोसेस है वो याद रखनी है, ठीक है बच्चों। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जो आपका एग्जांपल नंबर 15 है उसकी ओर, लेकिन उसके लिए अगर बोर्ड में को पूरा साफ करना पड़ेगा। तो ठीक समझ आ गया बच्चों, इरेज कर सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 जो बच्चों कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, तो बच्चों आपको आज के लेक्चर में पता चल जाएगा इसमें कंफ्यूज होने वाला ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाई जरूर दे रहा है बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो समझिए इसको, ये कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, इसको इसके दो पार्ट हैं अलग अलग समझेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट पर हमारा फोकस रहेगा। फर्स्ट पार्ट है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हो, यानी हमें दे दिया गया कि जो तीन वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उनका यूज करता हूँ मैं, तो हमें दिया है जो ए वैक्टर मोड बी का मोड और सी का मोड इक्वल है तीनों का,
जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और तीनों आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है अर्थात लंबवत है। तो लंबवत होने का कंसेप्ट आप जानते हो, ए डॉट बी, बी डॉट ए इक्वल जीरो, ए डॉट सी इक्वल सी डॉट ए इक्वल टू जीरो, बी डॉट सी या सी डॉट बी इक्वल टू जीरो। बच्चों मैंने दोनों रिवर्स करके इस वजह से लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों की जरूरत पड़ेगी तो आपके बार बार में वो कन्फ्यूजन ना आए कि ए डॉट बी को बी डॉट ए क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हो क्रम विनिमय होता है वो फिर जीरो की क्यों लगा। तो प्रूव करना है कि जो वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी मुझे क्या सिद्ध करना है कि जब आपको इन तीनों को ऐड करोगे तो एक कोई नया वेक्टर जनरेट होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसको बच्चों मैं एक बार डी वेक्टर मान लेता हूँ। ये जो डी वेक्टर है वो बाकी तीनों के साथ यानी ए बी और सी तीनों के साथ परस्पर बराबर कोण बनाता है, यानी मुझे ये क्या प्रूव करना है कि जो डी का ए के साथ बी के साथ और सी के साथ इन तीनों के साथ जो भी एंगल है, इसके साथ अल्फा लेके चलेंगे बीटा और गामा, ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ये बच्चों मुझे प्रूव करना है। पहले बताइए क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बच्चों तीन वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर और एक सी वेक्टर, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और तीनों आपस में परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी तीनों का जो सम होगा यानी इन तीनों को जोड़ने पर जो एक नया वेक्टर डी वेक्टर आएगा वो ए बी और सी के साथ जो भी एंगल यानी जो भी कोण बनाएगा वो इक्वल होना चाहिए। तो मैंने मान लिया जो d वेक्टर है वो a वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, d वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ d मैग्नीट्यूड ऑफ b, कुछ ऐसे ही लिखूंगा बच्चों। इतनी बात समझ आ रही होगी। d मैंने क्या माना है, a प्लस बी प्लस सी डॉट a, d a। अब बच्चों मैं थोड़ा सा डायरेक्टली प्रोसेस यूज करूँगा तो ध्यान से देखो, देखो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई। अब बच्चों देखो बी डॉट ए और सी डॉट ए यहाँ पे आपको दिख जाएंगे दोनों के दोनों जीरो है, तो इनको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इससे ये कैंसिल हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो बच्चों जो कोस अल्फा है मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब बताइए बच्चों इतनी बात समझ आई या नहीं आई, यानी कोस अल्फा मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी वैक्टर की जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे कोस अल्फा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट है आपको? सर ये फॉर्मूला तो बच्चों याद होगा, हमने आज के ही लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चंस में इनको यूज किया है, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। सॉरी बच्चों कोस बीटा मैं क्या लिखूंगा, डी डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सेम ये प्रोसेस, डी को लिखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा बच्चों ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए डॉट बी सी डॉट बी आपके आगे जीरो होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कोस बीटा क्या आ जाएगा, इसको बच्चों इक्वेशन नंबर वन नाम देना भूल गया, सो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो बच्चों सेम प्रोसेस यदि मैं यूज करूँगा कोस गामा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ गिवन है मेरे पास कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर, बच्चों देखो स्टार्टिंग में एक दिया हुआ है, तो अब आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को देखो, इनकी ऊपर वाली वैल्यू इक्वल हुई या नहीं हुई और नीचे वाली भी इक्वल है या नहीं,
ध्यान से देखिए बच्चों, ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू इक्वल हुई या नहीं हुई, तो मतलब स्पष्ट है फ्रॉम वन टू एंड थ्री मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस अल्फा इक्वल कोस बीटा इक्वल कोस गामा, अर्थात अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू गामा। ये लीजिए बच्चों, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, जितना टफ लग रहा था, उतना तो कुछ है ही नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया, डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक है वो यूज किया और क्वेश्चन आपके सामने है। समझ आया होगा बच्चों, एक बार रिपीट जरूर करूँगा इसलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था कि तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है और परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना था यहाँ पर कि जो इन तीनों का सम होगा, जो मैंने एक नया वेक्टर मान लिया डी वेक्टर, वो इन तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है, यानी बराबर कोण पर झुका है। तो सबसे पहले मैंने लिया कोस अल्फा ए के साथ मान लिया, बी के साथ मान लिया बीटा और सी के साथ गामा। तो कोस अल्फा का फॉर्मूला डी डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ ए फॉर्मूला होता है। डी की वैल्यू रखी, सबके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, कुछ ऐसा आया ए डॉट ए स्क्वायर होगा, बाकी दोनों जीरो, एक से एक कैंसिल हो गया, तो यह आ गया ए अपॉन डी। सिंपल प्रोसेस है। यही प्रोसेस बी के लिए की डी डॉट बी मैग्नीट्यूड डी मैग्नीट्यूड बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी, सी डॉट बी, नीचे वाला तो वैसे का वैसा ही है, दो जीरो हो गए, ये हो गया बी स्क्वायर, एक से एक कैंसिल हो गया। तो बच्चों जो दो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किए उनके आधार पर तीसरा रिजल्ट डायरेक्टली लिखा जा सकता है, ठीक है, वरना इसे फाइंड आउट कर सकते हो। नीचे वाली वैल्यू इक्वल है, ऊपर वाली भी वैल्यू इक्वल है, देन कोस अल्फा इक्वल कोस बीटा इक्वल कोस गामा, सो आई कैन से दिस कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो बताइए बच्चों, ये जो आपके क्वेश्चन है वो समझ आया या नहीं आया। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको जो लेक्चर है वो, इसमें हमने जितने भी एग्जांपल किए वो समझ आए होंगे। हाँ बच्चों, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो रहेगा इसका जो एक सेकंड पार्ट प्लस जो बुक्स के क्वेश्चन है वो हम लगभग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर के में आज इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।